नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गबर चपर पे। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम कीमा। यह एक बेहद ही यूनिक और बेहद ही डिलीशियस रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब आइए बताते हैं आपको कैसे बनता है मशरूम कीमा। मशरूम कीमा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और इसके गर्म होने तक थोड़ा वेट करेंगे। तेल के गर्म हो जाने के बाद हम इसमें एक छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, 3 से 4 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्च और एक बड़ी इलायची। इन सब को हम अच्छे से भून लेंगे। तो खड़े मसालों को भून लेने के बाद इसमें हम 2 कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे और इनको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़े से रफली चॉप्ड गार्लिक डालेंगे, यानी कि लहसुन डालेंगे, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। और अब इसमें एक रफली चॉप्ड प्याज डाल देंगे और इन सब को हम एक साथ करीब 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। दो मिनट तक भून लेने के बाद हम इसमें एक रफली चॉप्ड टमाटर डाल देंगे और अब इन सभी मसालों को ढक करके 2 मिनट तक कुक करेंगे। और जब तक ये मसाले कुक हो रहे हैं, हम एक मिक्सर के जार में मशरूम्स ले लेंगे। देखिए, इनको हमने 4-6 हिस्सों में काट लिया है बस, और अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद देखिए मशरूम ऐसा देखने लगेगा। इसमें थोड़ा सा पानी दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मशरूम में ऑलरेडी थोड़ा पानी होता है, बट घबराने की बात नहीं है। जब हम मशरूम को भूनेंगे तो यह पानी पूरी तरह सूख जाएगा और हम एक बढ़िया कीमा तैयार कर पाएंगे इससे। और अब जो ये हमारे मसाले हैं, जो काफ़ी हद तक कुक हो चुके हैं, इन्हें हमें एक मिक्सर के जार में ले लेना है। गैस बंद कर देंगे और इनको हम एक मिक्सर के जार में ले लेंगे और इनका हम एक बढ़िया पेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब हम उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, इसको भी थोड़ा गर्म हो जाने देंगे और एक तेज पत्ता डालेंगे इसमें। और उसके बाद जो हमने मशरूम को ग्राइंड करके उसका कीमा तैयार किया था वो इसमें हम डाल देंगे। और इसको हम 3 से 4 मिनट तक तकरीबन भून लेंगे, जिससे कि इसका पानी पूरी तरह से सूख जाएगा। मशरूम को 3 से 4 मिनट तक भून लेने के बाद जो हमने मसालों का पेस्ट तैयार किया था वो इसमें हम डाल देंगे। अब इस मसाले को हम मशरूम में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 2 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे।
और अब इन सबको मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे। और अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे हम इसमें। और इसको मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको ढक करके तकरीबन 5 मिनट तक कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा मशरूम कीमा लगभग बनके तैयार है। अब इसमें हम आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, हमारा मशरूम कीमा अब बन करके पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितना लजीज दिख रहा है ये। आइए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसे एक छोटे से बाउल में निकाल लिया है और इसके ऊपर से हम एक बटर का क्यूब रख देंगे। तो बस हमारा मशरूम कीमा अब खाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। आप भी बनाइए बिल्कुल इसी तरह से मशरूम कीमा और इसका मज़ा लीजिए। आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर।